हाय एवरीवन, आप सभी का स्वागत है संजीव सर आईटीआई के यूट्यूब चैनल में। जैसा कि यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे हैं जी, 13 दिसंबर 2021 को एग्जाम में जो पूछा गया था उसी का सॉल्यूशन आंसर की हम आप लोगों को बता रहे हैं जी, और स्टेप बाय स्टेप समझा भी रहे हैं जी कैसे कौन ड्रॉ किया जाता है। तो ये 1, 2, 3 ये जितना क्वेश्चन है इसमें सभी हर क्वेश्चन को बारीकी से आप लोगों को बताए हैं जी। तो अगर वीडियो नहीं देखे तो जाइए मेरे चैनल पर विजिट कीजिए और वहाँ पे प्रॉपर ध्यान से देखिए और सीखिए कैसे ड्रॉ किया जाता है। उसके बाद 4 का ये हमारा ये चौथा नंबर क्वेश्चन है। चौथा नंबर का 7 सेगमेंट डिस्प्ले ये हम लोग ड्रॉ कर चुके हैं। अभी यहाँ पे ड्रॉ करेंगे 4 का बी। तो 4 का बी कैसे ड्रॉ करें, तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इसका बी हम लोग लिख ले रहे हैं जी। ये नाम क्या है जी इसका, आर टी डी। अगर देखिए, अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये फुल फॉर्म आपको नहीं आता है तो मेरे चैनल पे जाइए विजिट कीजिए, वहाँ पे आप लोगों को ये फुल फॉर्म इलेक्ट्रीशियन से यानी टेक्निकल लाइन का जो भी शॉर्टकट नेम है जी सबको वहाँ पे बारीकी से डिटेल से बताया गया है जी और समझाया भी गया है जी। तो वहाँ से आप लोग जाके देख सकते हैं जी। तो अभी देखिए आरटीडी का ये डायग्राम कैसे ड्रॉ किया जाता है जी। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, तो उसके बाद यहाँ से एक ब्लॉक ऐसे यहाँ पे हम लोग बनाएंगे प्रॉपर, ये एक ब्लॉक हम लोग यहाँ पे बना दिए। उसके बाद देखिए ये ब्लॉक को अभी बना देने के बाद अब आगे ध्यान से देखिए, यहाँ से आगे की तरफ एक्सटेंड करेंगे और देन उसके बाद ये यहाँ पे इस टाइप से सिंबल दिखा देंगे। उसके बाद आगे ध्यान से देखिए आगे क्या करते हैं, अगले स्टेप में क्या करते हैं जी। अगले स्टेप में हम लोग यहाँ पे यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये आपको यहाँ से ये वाला पार्ट है, उसके बाद इसको हम लोग यहाँ से ड्रॉ करते हैं जी। क्लियर हुआ जी ये कैसे ड्रॉ हुआ, इतना तक आपको फाइनल हुआ। अब ध्यान से देखेंगे, इसके जो बीच में है जी ऐसे एक लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद ध्यान से देखेंगे, ये इस टाइप से ये जाता है, उसके बाद इसमें रेजिस्टेंस इस टाइप से दिखा देते हैं। उसके बाद ध्यान से देखिए, इधर भी हम लोग यहाँ से ये वाला पार्ट इसको ऐसे शो कर देते हैं। क्लियर हुआ जी, देन आगे ध्यान से देखेंगे, ये ऐसे हम लोग शो करते हैं। क्लियर हुआ जी, इसमें अब लिख सकते हैं जी ये क्या है जी, आउट पुट। क्लियर हुआ जी, तो इतना तक हमारा क्या हुआ जी, क्लियर हुआ। देन आगे ध्यान से देखेंगे, अब ये जैसे हुआ जी इसी के पैरलर्स नीचे यहाँ पे एक ऐसे ड्रॉ करेंगे लाइन, और देन ड्रॉ करने के बाद इसको ध्यान से देखेंगे, इसको लाइन ये यहाँ से और देन उसके बाद नीचे। क्लियर हुआ जी, तो ये वाला ऐसे हम लोग शो कर दिए। क्लियर हुआ जी इतना तक, जब इतना तक क्लियर हो गया तो आगे ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे एक ये पार्ट ब्लॉक ड्रॉ किए और उसके बाद ये वाला, और इसको एक दूसरे से यहाँ से मिला देंगे। क्लियर हुआ, अब आगे यहाँ पे इस लाइन को आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए यहाँ से आगे की तरफ एक्सटेंड करते हुए ये रेजिस्टेंस इस तरह हम लोग आगे की तरफ बढ़ाएंगे। फिर सेम प्रोसेस यहाँ से भी वही करेंगे जी। तो ये वाला हमारा इतना तक क्लियर हुआ जी। अब देखिए, इसको आप चाह ला के यहाँ तक हम लोग इसको
मिला देंगे। इतना समझ में आया जी? अब आगे ध्यान से देखिए, अब इसको आगे की तरफ ऐसे करके और इसी के पैरेलल रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखा शो कर देंगे, और शो करने के बाद इसको ध्यान से देखिए, आगे आगे की तरफ इसको एक्सटेंड कीजिए लाइन को, और देन इस लाइन को भी आगे की तरह एक्सटेंड कर दें। क्लियर हुआ जी? देन उसके बाद इसको नीचे लाइए और फिर इसको फिर यहाँ पे इस तरह यहाँ पे रेजिस्टेंस यहाँ पे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे बनाए ये फिगर। उसके बाद आगे ध्यान से इसमें नामांकित करते हैं जी। ये है जी ये है हमारा वायर, ये है वायर बी, और ये है वायर सी। तो क्लियर हुआ जी? तो ये ए बी सी हो गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, ये जो है यहाँ पे हम लोग इसको हम लोग सर्किल में ड्रॉ करेंगे जी। यहाँ पे क्या कीजिए आप, कंपास की सहायता से लेकर इसको हम लोग यहाँ से कंपास की सहायता से इसको सर्किल में इसको अटैच कर देंगे, और इसको हम लोग लिख देते हैं जी आर टी डी। क्लियर हुआ? अब यहाँ से ध्यान से देखिए, ये वाला पार्ट, उसके बाद ये वाला हम लोग यहाँ से ऐसे शो कर देंगे। क्लियर हुआ जी? तो यहाँ से हम लोग ऐसे ऐसे हम लोग शो कर देंगे। तो ये वाला फाइनली हमारा क्या हुआ जी, ये बन गया। उसके बाद ध्यान से देखिए, इसको हम लोग क्या करते हैं जी, लीड एल ई ए डी लीड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए, इसको हम लोग अंदर एक्सक्लूजन एक्सक्लूजन करेंट एक्सक्लूजन करेंट सोर्स एस ओ यू आर सी ई। तो क्लियर हुआ जी? तो ये वाला हमारा क्या हुआ जी, क्वेश्चन नंबर चार का, ये क्वेश्चन नंबर चार का ये तो हम बना चुके, ये आरटीडी हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके। तो ओके फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट अगले वीडियो में। इसी का हम लोग क्रिम्पिंग टूल यहाँ पे दिया है, तो बाकी स्टेप बार हर पॉइंट को एक एक करके आप लोगों को बताएंगे और सॉल्व कराएंगे जी। तो ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।